एक भाषा को सीखना मुश्किल होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ये मुश्किल हो ऐसा जरूरी नहीं। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि भाषा क्या है। भाषा केवल शब्द है, शब्दों के एक समूह से होता है वाक्य। जब आप अपने जरूरत के हिसाब से वाक्य बना सकते हैं, तब आप वो भाषा बोल पाते हैं। अगर ऐसा है तो समस्या क्या है? अंग्रेजी सीखना कठिन क्यों है? सबसे पहले हजारों सैकड़ों शब्द होते हैं, मैं सब के सब नहीं सीख सकती। दूसरा, अगर मुझे किसी शब्द का मतलब भी पता है, ये पता नहीं उसको इस्तेमाल कैसे करूं। और तीसरा, कुछ शब्दों को सीखने के बाद मैं उन्हें भूल जाती हूँ, उन्हें मैं याद कैसे रखूं? हमने इस अंग्रेजी शब्दकोश एप्लीकेशन को बनाते हुए इन सभी समस्याओं के बारे में सोच विचार किया है। हमने होशियार लोगों द्वारा बनाए गए कई सारे शोध का इस्तेमाल किया और इन सभी समस्याओं के लिए एक आसान कदम दर कदम समाधान ढूंढ निकाला है। शनेल, हर्ष, नेशन और ऐसे कई प्रसिद्ध शोधकर्ताएं सभी मानते हैं कि 2000 शब्दों को जानने से लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले 90% शब्दों को सीखा जा सकता है। असल में ये 2000 शब्द आपको एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। ऊपर से 10,000 शब्दों का पता होने से ज्यादा जरूरी है गहराई से 2000 शब्दों को जानना। अगर आपको 10,000 शब्द पता हो पर उन्हें किसी वाक्य में इस्तेमाल ना कर पाए, तो इन शब्दों को जानने का उद्देश्य ही क्या है? लेकिन अगर आप इन 2000 शब्दों का अध्ययन करें और सीखें, तो आपको ठोस अंग्रेजी बोलने और लिखने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, मुझे अब पता है कि मुझे 2000 शब्दों को सीखना चाहिए, लेकिन कौन कौन से 2000 शब्द? बाहर कई सूचियाँ मौजूद है और सभी अलग अलग है। मुझे कैसे पता हो कि सीखने के लिए सबसे अच्छे शब्द कौन से हैं? हमने संबंधित सूत्रों से मौजूदा डेटा का उपयोग कर और आधुनिक डेटा के साथ संयोजन के द्वारा इस समस्या का हल निकाला है। ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, कॉर्पस ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंग्लिश और लॉन्गमैन कम्युनिकेशन सभी ने अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्दों की एक सूची उत्पन्न करने के लिए लाखों और करोड़ों शब्दों का विश्लेषण किया है। इन तीन सम्मानजनक सूचियों के साथ साथ विभिन्न विषयों पर इंटरनेट पे अक्सर इस्तेमाल होने वाले 5,00,000 से अधिक शब्दों के संकलन द्वारा हमें आधुनिक डेटा मिला है। शीर्ष के 2000 शब्द सूची में जगह पाने वाले शब्द सिर्फ वो है जो इन सभी चारों सूचियों में मौजूद है। इस पद्धति को इस्तेमाल करने से हमें पूरा विश्वास है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2000 शब्दों का हमारी सूची एक ऐसी सूची है जिसपे आप भरोसा कर सकें। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी भी मुझे वाक्य में शब्दों का उपयोग करने की समस्या है। कोई बात नहीं, शब्दकोश आपके अध्ययन करते शब्द का केवल परिभाषा दर्शाते हैं, जिसके जगह पर हम उस शब्द के लिए आम कलोकेशन भी प्रदान करते हैं। कलोकेशन एक शब्द है जो उस शब्द के साथ अक्सर व्यवहार किया जाता है। आपको पूरी तरह से अर्थ को समझने और वास्तविक वाक्यों में इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए हमने कई उदाहरण वाक्य प्रदान किए हैं। फ्रेंड शब्द के लिए इसका एक उदाहरण, शी टॉक्स टू हर बेस्ट फ्रेंड एवरी डे, शी हैज बीन अ लॉयल फ्रेंड फॉर मेनी इयर्स। यहाँ पर फ्रेंड शब्द की कलोकेशन है बेस्ट, लॉयल, रियल, ट्रस्टेड, ट्रू एंड फेथफुल। आप अन्य अनेक वाक्य में फ्रेंड के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप शब्द को, अर्थ को और वाक्य में उसके प्रयोग को जान सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन मुझे एक और समस्या है। पढ़ने के बाद मुझे शब्दों को भूलने की समस्या होती है। कैसे मैं इन सभी शब्दों को याद रख सकती हूँ? एक शब्द को अध्ययन करते समय 4 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। शब्द को देखने की जरूरत है, शब्द को सुनने की जरूरत है, शब्द को बोलने की जरूरत है, शब्द का उपयोग अभ्यास करने की जरूरत है। जब भी आप कुछ सीखते हैं, आपका मस्तिष्क संबंध बनाता है। जितना ज्यादा संबंध बनेगा उतना ही आसान होगा शब्द को याद रखना। जब आप शब्द को देखते हैं, आपका मस्तिष्क एक तरीके का संबंध बनाता है। जब आप शब्द को सुनते हैं, आपका मस्तिष्क एक अलग तरीके का संबंध बनाता है। जब आप शब्द को कहते हैं, तब उन दोनों को मिला के और भी असरदार एक संबंध बनता है। आखिरकार आप
आपको शब्द का उपयोग अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करने से वो सारे संबंध मजबूत बनते हैं ताकि आप ना भूले। ये सब समझा, लेकिन अंग्रेजी जानने के लिए मैं इस एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? अगले वीडियो में अंग्रेजी सीखने के लिए इस शब्द वाली एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करना है समझाया जाएगा।